नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ ऐसी चटनी जिसे आप जिसके भी साथ खाएंगे उसका स्वाद दुगना हो जाएगा और उसे बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की जरूरत है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने 12 लाल मिर्ची ली हैं जो ताजी हैं, इनकी जगह हम सूखी मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टमाटर, खटाई, नमक और जीरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में काट लेंगे, मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए मैं टमाटर काट लिए हैं। अब हम हरी मिर्चों को काट लेंगे। इसे मैं कैंची से काटूंगी क्योंकि मेरे हाथों में मिर्ची लग जाती है। अब हम डाल लेंगे इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा। बस अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमने पीस लिया है, थोड़ा अभी और पीसना है हमें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे। ये देख लिए, ये हमारा खूब अच्छी तरह से बन गई है चटनी। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे। हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसे छोप भी अगर सकते आप फर्स्ट हैं। के लिए खा थोड़े रहे हैं से तो ऑयल इसमें में सेंधा नमक नमक डाल डाल लें। और राई डाल लें। और देखिए है ना, इसे बनाना कितना आसान और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बाजार की चटनियाँ खाना भूल जाएंगे, एक बार इसे बनाकर जरूर देखिए। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप आम का अचार इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चटनी को आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, मोमोज, स्प्रिंग रोल, पूरी, पराठा, पकौड़ी। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब। और प्लीज़ रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें देखने के लिए।